बायजूस के बेंगलुरु ऑफिस में सर्च ऑपरेशन किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं समीर दीक्षित। समीर, बताई है क्या अपडेट मिल रही है? एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बड़ी कार्रवाई करी है और उसके तीन ठिकानों पर बेंगलुरु में वहां पर सर्च ऑपरेशन किया है और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। तो सबसे बड़ा आरोप ये जो बायजूस के फाउंडर और सीईओ है रविंद्रन बायजूस, उन पर आरोप है कि उन्होंने साल 2011 से साल 2023 के बीच में यानी कि पिछले 12 सालों में विदेश से तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए का फंड लिया है और इस 28,000 करोड़ का जो फंड है इसका डिटेल्ड ब्यौरा नहीं दिया गया है। दूसरा ये भी है कि इस 28,000 करोड़ में से तकरीबन 9,754 करोड़ रुपए विदेश में भेजा गया है जिसके बारे में भी संतोषजनक जवाब नहीं उपलब्ध है। एक और गंभीर बात ईडी ने जो बताई है वो ये है कि इस कार्रवाई से पहले यानी कि बायजूस के जो दो प्रमाइसेस टोटल तीन प्रमाइसेस पे जो छापेमारी की गई है इससे पहले उनको रविंद्रन को कई बार समन भेजा गया था कि वो ईडी के सामने पेश हो और अपना पक्ष रखें और जो तमाम आरोप हैं उस पर अपना बात रखें, लेकिन तमाम समन भेजे जाने के बावजूद भी रविंद्रन ने एक बार भी ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं किया और वो दफ्तर नहीं पहुंचे थे। तो ये तमाम गंभीर आरोप हैं जिसको लेकर के ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई करी है और यहां से ये तय माना जा रहा है कि बायजूस की मुश्किलें आने वाले वक्त में और गहरा सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले 2020-21 के बाद से कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डिटेल्ड स्टेटमेंट बायजूस ने अपने लेन देन का नहीं तैयार किया था, जो एक बड़ा आरोप है। और इसके अलावा ईडी ने यह भी बताया है कि जो ऑडिटिंग होनी चाहिए थी अकाउंट्स की वो भी नहीं की गई है। तो बायजूस का जो लेन देन है, जो उसका फाइनेंशियल्स है, उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के फेमा के यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तमाम प्रोविजन के तहत ये बड़ी कार्रवाई ईडी ने करी है और अब यहाँ पर बायजूस क्या उसके लिए आगे क्या मुश्किलें घिरती हैं वो देखने वाली वक्त होगी। हालांकि बायजूस का भी स्टेटमेंट मैं बता देता हूं कि बायजूस ने अपने पक्ष में कहा है कि ये एक रेगुलर कार्रवाई थी, जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब दिया जा रहा है और बायजूस का ये कहना है कि वो पूरी जो भी जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग कर रहे हैं। जी धन्यवाद समीर इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे तो मॉनसून को लेकर चिंता और बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस